वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक ह्यूज मिस्टेक हो गई है, लेकिन उसके ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय WHO भारत को ही आंख दिखाने का काम कर रहा है। WHO को इस चीज का एहसास नहीं है कि उनके एक स्टेप से भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और पड़ भी गया है। वैसे तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले अक्टूबर महीने की बात है, गाम्बिया नाम के वेस्ट अफ्रीकन देश में वायरल फीवर के कारण 70 बच्चों की मौत हो गई थी। शुरू में पता चला कि मैक्सिमम बच्चे एक ही इंडियन कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स ले रहे थे। ये घटना सामने आने के बाद WHO ने इंटरवीन किया और भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स के चारों सिरप्स के कुल 23 सैंपल्स लिए और उनका इनिशियल लेबोरेटरी एनालिसिस किया। और ये एनालिसिस करने के बाद WHO ने दावा किया कि इनिशियल स्टेजेस में उनके अधिकारियों को ये पता चला है कि इन 23 सैंपल्स में से 4 सैंपल्स में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेंट्स के तौर पर काफी ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं, यानी इतने ज्यादा मात्रा में कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। WHO ने बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन या फिर कंप्लीट एनालिसिस किए ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स को 70 बच्चों की मौत के साथ जोड़ दिया, और उसके तुरंत बाद WHO ने दुनिया भर के 194 सदस्य देशों में अपने 6 रीजनल ऑफिसेस और 150 फील्ड ऑफिसेस के जरिए WHO के जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए सख्त दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की थी। और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स को आइडेंटिफाई करके इस्तेमाल ना करने के लिए कहा था। WHO ने अपने अलर्ट में कहा था कि ये 4 मेड इन इंडिया सिरप्स सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अनसेफ हैं, और उनके यूज के कारण बच्चों को सीरियस इंजरी और उनकी डेथ भी हो सकती है, और ये सब हुआ था बिना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के। जैसे ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई, भारत सरकार ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स की जांच करने का खुद आदेश दे दिया, लेकिन भारत में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेडन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप्स में कोई भी खराबी नहीं मिली, जिसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी ने 13 दिसंबर को WHO को एक लेटर लिखा और कहा कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स सारे नेसेसरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और बिल्कुल हार्मलेस हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि WHO ने जो इंडियन कंपनी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की थी उसने भारत के ड्रग्स की इमेज को पूरी दुनिया में खराब किया है, इसके कारण भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। इस लेटर के बाद माना जा रहा था कि WHO को इस चीज का एहसास होगा और वो मानेगा कि गाम्बिया में बच्चों की मौत को मेडन फार्मास्यूटिकल्स के साथ जोड़कर उनसे गलती हो गई है और उन्होंने इस केस में जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन WHO ने उल्टा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक WHO का कहना है कि इंडियन कफ सिरप को लेकर उन्होंने जो अलर्ट जारी किया था हम उस कार्रवाई के ऊपर आज भी खड़े हैं, और वो बिल्कुल सही एक्शन लिया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पोटेंशियल रिस्क यानी संभावित जोखिम यानी जिस चीज का रिस्क या फिर आशंका हो ऐसे इश्यूज के ऊपर ग्लोबल अलर्ट जारी करना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, उनको इसी चीज का मैंडेट यानी इसी चीज का जनादेश मिला है। WHO अपने एक्शन के साथ आज भी खड़ा है, और कंटेमिनेटेड सिरप्स डेंजरस होते हैं, जानलेवा होते हैं, और उनको किसी भी मेडिसिन में यूज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यानी WHO मानता है कि उन्होंने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के मामले में कोई भी गलती नहीं की है और प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब 3 साल पहले चाइना के वुहान शहर में COVID-19 की शुरुआत हुई थी, जब वहाँ पर COVID-19 स्टार्टिंग में काफी तेजी से फैल रहा था, उस समय WHO का मैंडेट कहाँ गया था? उस समय WHO ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो क्यों नहीं किया था? अगर 3 साल पहले उस समय WHO ने अपना काम बखूबी किया होता तो उसके बाद दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की मौत बिल्कुल नहीं होती।